नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज़ वन मेटेलिक्स फेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिकस मेटेलिक स्वेयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज अब हमें चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है पहला है मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन्स इक्वल मास ऑफ ए इंक्रीजेज बी डिक्रीजेस या फिर मास ऑफ बी इंक्रीजेज बहुत ही सिंपल सवाल है बेसिक्स पे जाएगा चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे सो ये मान लीजिए आपका एक चार्ज है आपका स्फेयर है ए और बी मान लीजिए दोनों इस वक्त अनचार्ज हैं दोनों का मास सेम है ना हमने क्या किया है ए को दिया पॉजिटिव चार्ज तो हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया नाव पॉजिटिव चार्ज देने का एक्चुअल मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव चार्ज दे के यहाँ पर प्रोटोन्स एड नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं टेकआउट और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो यहाँ गिवन है प्रोवाइडेड है वो एडिड हैं सो इस वाले केस में क्योंकि आपके थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गए तो मास ऑफ़ ए जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और मास ऑफ बी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी मास ऑफ बी इंक्रीजेज वुड बी द राइट आंसर मास ऑफ बी इंक्रीजेज वुड बी द राइट आंसर